क्या होगा अगर एक मुर्गे और कबूतरी को आपस में टपाटप करवाया दिया जाए। ये होगा भाई, गौर से देख लो। मुर्गे बाप और कबूतरी माँ के मजे का परिणाम। ये बेचारा न मुर्गा रहा न कबूतर। कहते हैं सन 1970 के दौरान एक कपल ने शराब के नशे में अपने पालतू मुर्गे को कबूतरी के ऊपर चढ़ा दिया था, और फिर जब लोगों ने इस अनोखे जोड़े के मिलन से पैदा हुए बच्चों को देखा तो समझ नहीं पाया कि साला ये कौन सा जानवर है। दोस्तों, भांति भांति प्रकार के जीव जब प्रकृति के नियम तोड़कर पलंग तोड़ प्रेम करते हैं तो उनके बच्चे अलग ही किस्म के पैदा होते हैं, जिन्हें नाम दिया गया हाइब्रिड। ऐसे कुछ हैरतअंगेज हाइब्रिड जानवरों के बारे में हम आपको आज बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को अपना प्यार जरूर दें। वॉल्फिन। दुनिया में इस जीव की संख्या काफी कम है। काफी कम से हमारा मतलब है ये दुनिया में महज दो हैं, जिनके दर्शन फिलहाल आपको अपनी स्क्रीन पर हो रहे हैं। इन वॉल्फिन का जन्म बॉटलनोज डॉल्फिन और किलर व्हेल के मिलन से हुआ। वैसे बता दे, इन्हें किसी शराबी कपल ने नहीं मिलवाया और न ही वैज्ञानिकों के सन की दिमाग की उपज है। शोधकर्ताओं के अनुसार प्राकृतिक तौर पर इन दो अलग अलग नस्ल के जीवों के बीच में प्यार हुआ, जिनके बच्चे डॉल्फिन और व्हेल के मिले जुले गुणों के साथ पैदा हुए। मतलब कि व्हेल की तरह भारी भरकम शरीर होने के बावजूद ये डॉल्फिन की तरह तेजी से तैर सकते हैं। सवाना कैट। अगर आप एक डॉग लवर और आपकी बहन एक बिल्ली पालना चाहती है तो बेशक आप दोनों की डिमांड इस एक ही जीव को पालने से पूरी कर देंगे। ये है सवाना कैट, जिसके बिल्ली जैसे लुक के साथ आपको एक डॉग की समझदारी और वफादारी फ्री मिलती है। वाइल्ड अफ्रीकन सर्वल और डोमेस्टिक कैट के इस हाइब्रिड को आम बिल्लियों की तरह पानी में जाने से डर नहीं लगता, और ये 7 फीट तक की ऊंची जंप भी लगा सकते हैं। यूं तो ये काफी अच्छे पालतू जीव साबित होते हैं, जो कि डॉग्स की तरह ही अपने मालिक के साथ खेलना कूदना पसंद करते हैं, लेकिन साथ ही इनके नेचर में बिल्लियों की खूबियां भी है। मतलब कि आप इन्हें कितनी भी ट्रेनिंग देने की कोशिश क्यों ना करें, ये वैसा ही करेंगे जैसा कि खुद इनका दिल चाहे। जोंकी। जोंकी कुछ चुनिंदा खूबसूरत हाइब्रिड जानवरों की गिनती में आता है, जिसको जिब्रा और डोंकी की क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया है। ये अपने बेहद कोमल व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, जिसके चलते इन्हें आसानी से पालतू बनाया जा सकता है। बता दें, नेचुरली इस तरह की क्रॉस ब्रीडिंग होना ना के बराबर देखा गया है, यानी इन धारियों वाले खूबसूरत डोंकी का जन्म बिना इंसानी दखल के संभव ही नहीं है। जोंकी को अपनी माँ जिब्रा से शरीर पर धारियां मिलती है और पिता डोंकी से ताकत। कामा। ये है कैमल और लामा का मेल। लामा को वूल प्रोडक्शन के लिए पाला जाता है और कैमल को, खैर आप जानते ही हैं। साफ तौर पर ये दोनों जानवर एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इनके जेनेटिक्स एक दूसरे से इतने ज्यादा मिलते हैं कि इनका एक हाइब्रिड आसानी से बनाया जा सकता है, जिसका शरीर ऊंट जितना बड़ा हो और उसके विशालकाय शरीर से लामा की तरह ऊन प्राप्त हो, ताकि अधिक मात्रा में वूल प्रोडक्शन हो सके। साल 1998 में सन की वैज्ञानिकों की टीम ने एक ऐसे जीव को जन्म दिया, जिसका उन्होंने कामा नाम रखा, जो कि असल में किसी भी काम का नहीं निकला, क्योंकि इसका नेचर बेहद अजीब और गुस्सैल था। खैर, इसके बाद 2008 आते आते सफलतापूर्वक ऐसे कामा बना लिए गए जैसे उम्मीद की गई थी। आज इन हाइब्रिड जीवों को दुबई में पाला जा रहा है, जो साधारण लामा की तुलना में अधिक ऊन उत्पादन करने में सक्षम है। लाइगर। यह है दुनिया की सबसे बड़ी कैट लाइगर, जिसका वजन 400 किलो से भी ज्यादा हो सकता है। लाइगर प्रकृति की देन नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा एक मेल लायन और फीमेल टाइगर की मेंटिंग करवाए जाने के बाद से ही ये जानवर अस्तित्व में आया है। इसको ट्रेनिंग दी जा सकती है और माना जाता है कि ये काफी सोशल भी होते, लेकिन फिर भी मैं इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करूंगा। ओमैंजी। चिंपैंजी और इंसान के मिश्रण से कोई जीव बनाना सुनकर ही बड़ा भयानक लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह के प्रयास वैज्ञानिकों द्वारा इतिहास में कभी किए न गए हों। और इतिहास ही क्या, मुमकिन इस समय भी दुनिया के किसी कोने में कोई पागल वैज्ञानिक इस पर काम कर रहा हो।
खैर हाइब्रिड तो नहीं, पर एक ऐसा चिंपैंजी जरूर देखा गया जिसका व्यवहार लगभग इंसानों जैसा ही था, और वैज्ञानिकों द्वारा इसे एक इंसान मानते हुए इस पर कई शोध भी किए गए। सन 1957 के दौरान ओलिवर नामक इस चिंपैंजी को इंसानों और चिंपैंजी के बीच की मिसिंग लिंक माना गया, क्योंकि इनके चेहरे के हाव भाव इंसानों जैसे थे। वो इंसानों की तरह दो पैर पर चलता था, उसे टीवी देखना, कपड़े पहनना और सिगरेट पीना पसंद था। वो लोगों का मनोरंजन भी किया करता था। हालांकि बाद में इसे किन्हीं कारणों से केज में डाल दिया गया और 2012 में इसकी मृत्यु हो गई। जोर्स जिब्रा जैसा क्रिएचर है जिसकी पूरी बॉडी पर धारियां होती है, साथ ही इसका हेड भी लगभग जिब्रा की तरह ही होता है। ये एक फीमेल जिब्रा और मेल हॉर्स का बच्चा है जो कि पहली बार इटली में देखा गया था, लेकिन फिलहाल आप इसे जर्मनी के स्पैरो रे पार्क में देख सकते हैं। पार्क के कर्मचारियों ने घोड़े और जिब्रा के इस मिश्रण वाले अनोखे जीव का नाम क्लेक्सा रखा है, जिसकी खूबसूरती को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। ग्रोलर। एक शिकारी ने साल 2006 के दौरान कैनेडियन आर्कटिक के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में घूमते हुए एक भालू का शिकार किया। हालांकि बाद में पता चला इस शिकारी ने जिसे भालू समझकर अपनी बंदूक का निशाना बनाया था वो कोई और ही जानवर था, एक ऐसा जानवर जिसके शरीर का अध्ययन वैज्ञानिक पहली बार करने वाले थे। इसके शरीर पर पोलर बेयर की तरह सफेद फर थे, लंबे पंजे थे और पीठ पर कूबड़ निकली हुई थी। साथ ही इसमें ग्रिजली बेयर से मिलती जुलती शैलो फेस और ब्राउन फर के पेचेस जैसी खूबियां भी थी। शोधकर्ताओं ने इसके शरीर का डीएनए टेस्ट किया तो पाया ना ही ये पोलर बेयर था ना ही ग्रिजली बेयर, ये एक नई नस्ल थी जिसकी माँ एक पोलर बेयर थी और पिता एक ग्रिजली बेयर। इसके बाद से ये हाइब्रिड जानवर दुनिया में कई अन्य जगहों पर भी देखने को मिले और इन्हें पिजली या ग्रोलर नाम दिया गया। कैट रैट्स। चलिए अब चलते हैं साउथ अफ्रीका। यहाँ एक अजीब से हाइब्रिड जानवर ने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। साउथ अफ्रीका के लेदर बोंग में एक फैमिली ने अपने किचन की दीवारों के पीछे से कुछ आवाजें आती सुनी, जिससे डरकर उन्होंने एक पादरी को बुलाया। पादरी ने इस दीवार को तोड़वा दिया और फिर उन्हें खोखली दीवार के अंदर कुछ अनदेखे जीव दिखाई दिए जिनकी बनावट बिल्ली और चूहे जैसी लग रही थी। घबराए हुए पादरी ने इन्हें देखते ही मार डाला। मौके पर पुलिस भी पहुंची, हालांकि पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा क्योंकि उस फैमिली ने इन जीवों को तब तक जलाकर मार डाला था। ऐसे में कैटरेट्स का अस्तित्व रहस्य बनकर रह गया। दोस्तों, ये कैटरेट्स जैसे अनजान जीव क्या सच में धरती पर मौजूद हो सकते हैं? इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए, और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। धन्यवाद।